मौजूद हैं ग्वालियर रोड ओवरब्रिज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में ब्लैक आउट हो चुका है, तो चुनिंदा इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे शहर में इस समय जो है वो लाइट नहीं आ रही है, पूरा ब्लैकआउट है, अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ। अगर आप देखेंगे शहर का अधिकांश इलाका जो है वो इस ग्वालियर रोड ओवरब्रिज से दिखाई देता है, और इस समय आप देखिएगा चारों तरफ जो है वो ब्लैकआउट है, अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ। कई कई घंटों से यहाँ पे लाइट नहीं आई है, शहरवासी काफ़ी परेशान है। मुन्ना लाल पावर हाउस तो रोशन है मगर शहर में जगह जगह अंधेरा छाया हुआ है। कारण है कि कहीं पे 24 घंटे तो कहीं 48 घंटे से बिजली की लगातार कटौती जारी है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने अब मुन्ना लाल पावर हाउस में आकर के घेराव कर लिया है, मौके पे पुलिस भी तैनात हो गई है और लोग लगातार बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लोगों से जानते हैं कब से लाइट नहीं है, क्या क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? कुणाल पचौरी है भैया, वार्ड नंबर 56 से आए हैं, नरसर ऑटोरिया क्षेत्र से आए हैं। लाइट की भैया परसों रात से बड़ी समस्या है। देखो मॉनसून है, समझ सकते हैं कि बारिश से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन किसी किसी क्षेत्र की आ रही हैं, किसी की नहीं आ रही हैं। अब वो आप फॉल्ट पता करो कहाँ का क्या है, वो नहीं हो पा रहा है। फोन करते हैं आप लोग बताते, बिजली तो उठाते ही नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन उनसे, उनके सामने क्या क्या समस्या है, क्या समस्या हो रही है? बिजली का इन्वर्टर अब काम कर पा रहा है, चार्ज है? कितने इन्वर्टर लगा लेगा सर कोई इंसान? एक डिस्चार्ज हो गया, मिडिल क्लास इंसान दो बैटरी लगा लेगा ज्यादा से ज्यादा, यदि पैसा कमा रहा है। डिस्चार्ज नॉर्मल घरों में तो एक बैटरी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, 36 घंटे 40 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, पानी कैसे भरेगा इंसान, क्या करेगा? आप कहाँ से? मैं नई बस्ती से हूँ। कब से लाइट नहीं है आपके यहाँ पे? 48 घंटे हो गए हैं। आई थी तो आधा घंटे के लिए आई थी, फिर उसके बाद कोई आई नहीं। आज आप लोग आए, घेराव किया काफी लोगों ने, अंदर पुलिस फोर्स भी आ गई है, क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है, लाइट का कोई बता ही नहीं रहा है कि मतलब कब आएगी कब नहीं आएगी, कोई क्लियरिटी नहीं दी। अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। कहाँ से है आप? मैं दतिया गेट से हूँ, दतिया गेट अंदर से। परसों रात में 10 बजे से लाइट सिर्फ एक मिनट एक सेकंड के लिए आती है और फिर उसके लिए घंटों तक चली जाती है। मुन्ना लाल पावर हाउस पे अगर फोन लगाते हैं तो स्विच ऑफ कर लेते हैं और या घंटी जाती रहेगी तो उठाएंगे भी नहीं। आप सुबह 5 बजे, नाम क्या है आपका? सोनू। कहाँ से हैं आप? नई बस्ती से। क्या दिक्कत आ रही है? लाइट आ नहीं रही, लुप कर रही है, सुबह 5 बजे से लाइट नहीं आ रही, पानी के लिए बैठे हैं। बताइए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग फोन मिला रहे थे, कुछ आश्वासन दिया? नहीं, कुछ नहीं उठा रहे, फोन उठा रहे नहीं, उठा रहे फोन तक नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे। अभी अभी क्या कहा है? वो आश्वासन दे रहे, कुछ सुन ही नहीं रहे। वो कह रहे इधर में उधर काली जी के मंदिर काम कर रहे, वो कर रहे उधर कर रहे, सुन ही नहीं रहे। तो लगातार आप देख सकते हैं कि लोगों में बहुत आक्रोश है विद्युत विभाग के खिलाफ में। लोग कह रहे हैं ना उनका फोन उठाया जाता है, ना उन्हें सूचना दी जाती है कि लाइट आएगी तो कब तक आएगी। किसी के यहाँ परसों से लाइट नहीं, किसी के यहाँ कल से लाइट नहीं है। घरों में पानी की टंकियाँ जो है वो खाली हो चुकी हैं, और इसके अलावा जो है घरों में इन्वर्टर भी जो है उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। कुल मिलाकर के लोगों ने मुन्ना लाल पावर हाउस का घेराव कर लिया है। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जो है वो जल्दी लाइट विद्युत व्यवस्था जो है सुचारू होगी। कैमरामैन एम खान के साथ प्रशांत शर्मा, अमर उजाला, झांसी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।